जय श्री राम साथियों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है, बहुत इम्पोर्टेंट है। गाय भैंस अगर आपकी मिट्टी खा रही है तो उसको कैसे ठीक करें, देसी उपचार लेकर आया हूँ। 100% सही इलाज है। 10 से 5 दिन घर का देसी घरेलू उपाय बना कर दीजिएगा और ठीक हो जाएगा, मिट्टी खाना बंद हो जाएगा। उसके साथ साथ बताने वाला हूँ कि फार्म पर मैं कितने घंटे काम कर रहा हूँ। अगर नया डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो अगर आप ये सोचकर खोलते हैं कि डेयरी फार्म में 1 से 2 घंटा मेहनत करके अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। कितना घंटा काम करना पड़ता है A to Z जानकारी दूंगा। अगर आप 5 बीघा रखते हैं तो कितना समय देना पड़ेगा, सही सही सभी जानकारी दूंगा। जो भी सही जानकारी होगी, हकीकत होगी, वही दूंगा। और फार्म पे क्या चल रहा है पूरा डिटेल भी दूंगा। मेरी राम प्यारी गाय का घाव भी दिखाऊंगा, कितना भर चुका है, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, जरूर आप बताइएगा। चलिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज किसान को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कुछ खास चीजें हैं जो हमारे फार्म पर, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने फार्म पे जो भी बछड़े होते हैं, बछड़े को कोई रखना नहीं चाहता है, उस बछड़े को हम अपने फार्म पर सेवा के रूप में चला रहे हैं। जो गाय बुड्ढी हो जाती है या जो गाय बिना दूध वाली हो जाती है, कोई प्रकार का कमी वाली, उस गायों को सेवा का भाव हम लेकर चल रहे हैं फार्म पे। तो पैसे का बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बहुत लागत लग रहा है हर महीने खर्चा में। तो ये सब चीजों के लिए आप लोगों का प्यार सपोर्ट जरूरी है और जितना वीडियो सपोर्ट करेंगे उतना हम आगे इसको सेवा करेंगे। और हमारे चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर सपोर्ट जरूर कीजिए ताकि ये सेवा निरंतर चलता रहे, इसमें कमी ना आए। ये मैं कभी नहीं कहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि कभी भी किसी को पैसा देके सपोर्ट करिए, पैसे देने का जरूरत नहीं है। जैसा मैं हूँ आप लोग वैसा है, तो पैसा देने लेने की बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अपना टाइम मेरे लिए 10 मिनट 5 मिनट टाइम रोज दे दीजिए, उतने में ही हम बहुत बड़ा एक सेवा का भाव लेकर चल रहे हैं। अगर मैं एक सिद्धांत लेकर चला हूं, मेरे चैनल पर अगर जब 5000 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उस 5000 सब्सक्राइबर बढ़ने की वजह से मैं एक कोई भी अनाथ गौवंश या गौ माता अपने फार्म पर सेवा के लिए ला के रखूंगा कहीं से बाहर से। अपना जो है वो तो है ही, लेकिन अगर जिस समय 5000 जिस समय बढ़ेगा मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर, जैसे आज 31000 के आसपास सब्सक्राइबर है, जिस दिन 36000 के आसपास हो जाएंगे, एक गौवंश किसी का अनाथ ला के रख दूंगा, जो कि कोई भी कंडीशन में हो उसको सेवा करेंगे हम। हर एक 5000 सब्सक्राइबर पर एक गौ जीवन मिलेगा, गौ सेवा होगा। आगे बहुत कुछ है मकसद, लेकिन धीरे धीरे होगा। एकाएक कोई भी काम नहीं होता है, क्योंकि मैं भी एक गरीब किसान हूँ, कोई पैसे वाला तो हूं नहीं, लेकिन सब कुछ सेवा आशीर्वाद के वजह से चलेगा। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बढ़ेंगे, फेसबुक पर बढ़ेंगे, उस हिसाब से पैसा बढ़ेगा, उस हिसाब से सेवा बढ़ते जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग के आशीर्वाद से 8000 मेरे फॉलोअर है, तो इंस्टाग्राम भी ठीक ही चल रहा है। मिला जुला के 10-20 हजार हो जाएंगे तो उससे भी कुछ ऐड ऑन का शायद हो सकता है पैसा आएगा। अभी इंस्टाग्राम के बारे में मैं जानता नहीं हूँ, केवल ऐसे ही मजाक में वीडियो डाल रहा था। किसी भाई ने सपोर्ट किया और बोला कि इंस्टाग्राम पर भी वीडियो डालो, फेसबुक पर भी डालो, तो वो भाई को बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे को इतना सलाह देते हैं, आप मेरा काम काज से खुश रहते हैं, मेरे को सपोर्ट करते हैं, हर वीडियो में कॉमेंट भी करते हैं। ऐसे भाइयों को दोनों हाथ जोड़ के और पैर छुके हैं, भाई बिहारी भाषा में गोड़ लगा तनी भैया। आप लोग छोटे हो या बड़े हो, अगर छोटे भी हो तो मेरे से बड़े हो, अगर मेरे को थोड़ा सा ज्ञान दिया हो, मेरे को आगे बढ़ाने का सोचे हो, तो आप मेरा बड़ा भाई हो, मेरा चाचा हो, मेरा काका हो, इसलिए पैर छू के गोड़ लग रहा हूँ सभी को। आशीर्वाद जरूर बनाए रहिएगा भाई पर। तो चलिए, जिस टॉपिक पर आया है उस पर पहले बात करते हैं और वीडियो लास्ट तक देखिए। तो साथियों, अभी दोपहर का टाइम होने वाला है, मिल्किंग विल्किंग सब कुछ हो चुका है, साफ सफाई करके रख दिया हुआ है, फार्म भी साफ हो चुका है। अब फिर से गोबर सभी गाय कर रही है। ये 8 गाय मेरी जो साइलेज के साथ, और पूरा 16 गाय, 8 अब नहीं यार 16 गाय हो गई है। 16 गाय जो दूध वाली है, इनका मैनेजमेंट आप देख सकते हैं ऐसे चलता है। साइलेज खाना खाने के बाद साइलेज डाल दिया जाता है, दिन भर खाती रहेगी जब तक मन करेगा, जब तक खाएगी। ये सब गाय खा के बैठ गई है, इधर एक गाय खड़ी है, इधर भी सब रेस्ट कर रही है, उधर सब बछड़े हैं कोने में, आप देख सकते हैं सभी बछड़े खा रहे हैं। तो दोस्तों, गाय जो मिट्टी खाती है या भैंस, उसको दवा जो देना है, उसको सबसे पहले देसी उपचार में क्या है कि सरसों जो होता है, सरसों राय, सरसों का नाम हमारे बिहार में तेलहन बोला जाता है, सरसों जो है तेल वाला, मस्टर्ड ऑयल बोला जाता है, मस्टर्ड जिसका नाम होता होगा शायद, इंग्लिश इतना मेरे को पता नहीं है भाई, माफी चाहूंगा। सरसों देसी भाषा में जान लीजिए, जो डेयरी फार्म किए है वो समझते होंगे देसी भाषा।
सरसों जो होता है सरसों को मिक्सी मशीन में पीस लेना है, एकदम महीन पीस के। एक किलो सरसों पीस लीजिए, दो किलो पीस लीजिए। अगर आपकी एक गाय है, भैंस है, मिट्टी खा रही है, अगर बड़ी गाय है तो उसको सुबह 100 ग्राम शाम को 100 ग्राम सरसों पीस के केवल दीजिए उसको, जैसे भी खिलाइए, जैसे खा जाए खिलाइए, लगातार 10 से 15 दिन खिलाइए, वो कभी जीवन में मिट्टी नहीं खाएगी। सबसे बड़ा फायदा हो जाएगा कि वो मिट्टी नहीं खाएगी, सरसों अगर खिला देते हैं तो। मिट्टी खाने का कारण जो होता है फास्फोरस की कमी होती है, वो सबसे ज्यादा सरसों में मिलता है, पूरा करता है। आइए, हमारा देसी तरीका है, पढ़ा लिखा तो हूं नहीं कि क्या मात्रा किसमें होता है, लेकिन सरसों हम लोग पीस के मेरे पिताजी बताए मेरे को और मैंने खिलाया। बहुत सारी गायों को ऐसा प्रॉब्लम होता था कि बाहर निकालते थे तो मिट्टी खाने लगती थी, हम 8 से 10 दिन खिलाए, बस मिट्टी खाना छोड़ दी सब। दूसरा फायदा क्या हो जाता है उसको खिलाने से सरसों, आपका गाय का फैट स्नेप बढ़ जाएगा, दूध में बढ़ोतरी होगा सरसों से। ये तीन फ्री का फायदा मिलेगा, एक तो मिट्टी खाने का काम छुड़ाने के लिए आप सरसों खिलाएंगे, तीन फायदा एक्स्ट्रा में मिल जाएगा कि फैट स्नेप और दूध बढ़ जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया इलाज है मिट्टी खाने वाली गायों का। दूसरा नंबर, मिट्टी खा रही है तो सोडा फोस पाउडर के नाम से आता है बाजार में, जो कि 250 से 300 रुपए का आधा किलो पड़ता है, तो बहुत महंगा हो जाता है। सरसों जो है उसको खिलाने से कोई मतलब दूध का फैट स्नेप का तो मेरे को पता नहीं, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, मिट्टी खाना उससे भी छोड़ देती है, लेकिन सरसों जो है उससे दूध भी बढ़ जाएगा आपका, फैट स्नेप भी बढ़ जाएगा, तो बहुत सारा लाभ मिलता है, वही काम करना चाहिए। मिट्टी खाना तुरंत बंद हो जाएगा, उससे 2-4 दिन लगातार दे देंगे बंद हो जाएगा। ये सबसे बढ़िया इलाज है मिट्टी खाने का, छोड़ाने का। दूसरा नंबर, समय पर डिवॉर्मिंग करना जरूरी है, ये बात का ध्यान रखना है। डिवॉर्मिंग नहीं करेंगे और केवल सरसों खिला देंगे तो ऐसा नहीं है कि ठीक ही रहेगा, कीड़े रहेगा पेट में अगर गाय भैंस का, तो मिट्टी खाएगी, गोबर खाएगी, पिशाब चाटेगी, पगा चबाएगी, ये सब चीजों से बचने के लिए कीड़े का दवा भी देना जरूरी है, लिवर टॉनिक भी देना जरूरी है। दोस्तों, फार्म पे अभी सब कुछ सही चल रहा है, एक केवल राम प्यारी गाय को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब सही चल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर 5 गायों का फार्म करते हैं तो कितना देर आपको काम करना पड़ेगा। तो साथियों, अगर ओरिजिनल में काम का समय देखा जाए तो मेहनत सिर्फ आपको 2 से 4 ही घंटा करना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको 2400 घंटा इसमें लगे रहना है भाई। ये बात कोई माने या ना माने, अगर 5 भी गाय रखे हैं तो उसमें 2400 घंटा आपको देना है। अगर एक आदमी हो तो उसको खिलाना पिलाना धोना गोबर उठाना दूध निकालना मिला जुला के सब काम के बाद भी अगर फ्री हो जाते हैं तो जैसे फार्म पे रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो करता ही रहना पड़ेगा, गायों को देख रेख करता रहना है। नहीं तो क्या होता है, 5 गाय है, 5 बछड़े रहेंगे, बछिया रहेगी, कोई गोबर करेगी, जैसे अभी देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये 2-2 बार गोबर कर दिया, देखिए तो ये पूंछ से मारेगी, गंदी होगी, जैसे इतना गंदी हो गई है, यही गाय देखिए ये सब साफ सुथरा है और ये गंदी हो गई है ज्यादा, तो ये सब गोबर हटाते रहना पड़ता है। गायों के पास हमेशा इसलिए रहना पड़ता है, कहीं जाना आना छूट जाता है कि गाय कब क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं, तो 2400 घंटा निगरानी रखना पड़ता है कि कौन सी गाय जुगाली कर रही है, कौन सी गाय कितना खाई है, ये सब चीजों को बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, तब जाकर डेयरी फार्म चलता है। नए नए बंदे बहुत सारे ऐसे आते हैं जो कि डेयरी फार्म तुरंत लालच में आके खोल लेते हैं कि इतना कमा रहा है फलाना, इतना कमा रहा है तो हम भी कमा लेंगे, ऐसे में आके आप फंस जाते हैं तो उस कंडीशन में फिर बाद में वही ऑप्शन रहता है कि वो बंदा डेयरी खोल के साल ही 2 साल में बंद करके भाग जाता है। ये समस्या से बचने के लिए आपको 2400 घंटा निगरानी रखना है और अच्छे तरीके से देख रेख करना है। खाना पीना भरसक थोड़ा कम मिलेगा, गाय को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर गाय को देख रेख कम होगा तो गाय हमेशा बीमार होगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है डेयरी फार्म की। तो बाकी सब इस फार्म में ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं है, फायदा बहुत सारा है, एक एक चीज जोड़ा जाए तो बहुत सारा फायदा है, लेकिन इतना भी फायदा वो नहीं है कि मतलब आप किसी दूसरे बिजनेस से इसको तुलना कर ले, सब कुछ से ध्यान रखने वाली बात है और देखना समझना है। चलिए दोस्तों, बाहर राम प्यारी गाय को दिखा देता हूँ, बाकी सब बाहर की भी गाय खाना खा के सब आराम कर रही है, अभी गोबर उठाना इधर का बाकी है, गोबर उठाना है। अब वीडियो बना के, कल का वीडियो नहीं बना पाया इसलिए आज वीडियो पहले बना लिया कि वीडियो दिन में ही बना लूं, साफ वीडियो है, रात को वीडियो सही नहीं आता है, तो सही वीडियो बनाने के लिए पहले वीडियो बना लिया। गोबर ओबर अब इधर का उठा के साफ सफाई करना है, धोना है,
देख सकते हैं राम प्यारी गाय मेरी जुगाली कर रही है। पहले की अपेक्षा गाय ठीक है, दूध भी थन से आ रहा है। इस थन से अभी दूध नहीं आ रहा है, हल्का हल्का मवाद आता है। देखिए घाव के अंदर हम लोग बेटाडीन लोशन और बीटाडीन के साथ बीसी पाउडर मिला के इसके अंदर भरते हैं, बाहर बाहर हिमेक्स लगाते हैं ताकि मक्खी ना बैठे। अभी देख सकते हैं मक्खी मच्छर इतना है फार्म पे, फिर भी घाव पर एक भी नहीं है। इसका मेन कारण क्या है, घाव को खुला इसीलिए छोड़ा हूँ कि जल्दी सूखेगा, और रुआ भर के बाहर से रखा हूँ। अंदर जो कॉटन की पट्टी आती है बैंडेज वाली, वो पट्टी भर के रखा हुआ है, एक बंडल पूरा लग जाता है अंदर। घाव लगभग कंट्रोल है, बहुत कंट्रोल है, गाय भी स्वस्थ नजर आ रही है। तो ये जो है धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, राम प्यारी स्वस्थ है। अब राम प्यारी हमारी आगे क्या होगा क्या नहीं, ये तो भगवान जाने और गौ माता जाने। बाकी राम प्यारी अभी स्वस्थ है, आगे इससे उम्मीद हम लगा सकते हैं कि आगे चल के ठीक हो जाएगी। तो चलिए, वीडियो में अच्छा लगा हो तो जरूर सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए अपने भाई को। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल, हर हर महादेव। अब चालू हो गया, दोनों साइड में पंखा देख सकते हैं, पूरा आवाज आने लगा।